नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। भारत लाइव एक ऐसा चैनल है जो जमीन और बिहार से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू रखता है, अवगत कराता है और खबरों को वैसे आपके सामने रखता है जैसी वो आ रही हैं हमारे पास। यानी हम खबरें मिर्च मसाला लगाकर नहीं पेश करते। बिहार और बिहार की राजनीति एक बार फिर से कई करवटें ले चुकी हैं, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में एक पक्ष खुशियां मनाना चाहिए मना भी रहा है, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष जिसे हार का समीक्षा करना चाहिए वो एक अलग तरह के माहौल और रणनीति का वाहक बन गया है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 सीट हारने वाली महागठबंधन और 40 में से 39 सीट जीतने वाली एनडीए की। एनडीए जितना बड़ा जीत हासिल कर चुकी है उसमें एनडीए को खुशियां मनानी चाहिए थी, लेकिन इस खुशी में खलल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने डाल दिया है। नीतीश कुमार जी ने खुशी में खलल इसलिए डाल दिया है कि वो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने हैं और उनके हिस्सा नहीं बनने से कई तरह की बातें चल रही हैं, जिनमें सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि नीतीश कुमार को जानने वाले और नीतीश कुमार के निर्णय फैसले और उनके त्वरित फैसलों को जानने वाले इस बात से सशंकित हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भीतरखाने में कोई बड़ी योजना बना रहे हैं जिसको वो समय आने पर प्रकट करेंगे या फिर उसे लागू करेंगे। कुछ तो नीतीश कुमार ने अपने हाव भाव और विचारों में प्रकट भी किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार किसी फैसला को लेने से पहले इस तरह से कोई साइन या इशारा किए हों। वो इशारा ये है कि नीतीश कुमार का कहना है कि वो बिहार के विकास में लगे हुए हैं। 2020 के चुनाव यानी बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी देरी है और इस देरी को देखते हुए नीतीश कुमार चुनाव की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो इस बात की चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं कि महागठबंधन और एनडीए के बीच वो क्या सोच और समझ रहे हैं, किसके साथ वो चुनाव लड़ेंगे। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार ने सीधे शब्दों में कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं, उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का कोई अलग कारण न निकाला जाए। चुनाव जैसे ही आएगा उससे 2-3 महीना पहले वो अपनी स्थितियां स्पष्ट कर देंगे कि चुनाव में वो क्या स्टैंड ले रहे हैं। अब इन सब बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से अलग अलग बयान के माध्यम से अपने गठबंधन के साथियों और विरोधियों को टटोला जा रहा है, उनके मन मिजाज को टटोला जा रहा है, इसी टटोला टटोली में एक प्रवक्ता अजय आलोक ने कुछ बयान दिया था जिस बयान को लेकर के उन पर काफ़ी हमले हुए। भारतीय जनता पार्टी ने भी हमला किया और वहीं उन पर विपक्ष ने भी हमला किया। इसके साथ ही जो ममता बनर्जी के साथ उनका नीतीश कुमार का वाद चल रहा था, विचार चल रहा था, उसमें भी अंतर आया है। अब इन सब बातों को लेकर के अजय आलोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये तो बातें तो एक अलग हो गई। वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले यानी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार संशय की स्थिति में हैं और ये काम तब से हुआ है जब से बिहार में एनडीए को 39 सीटें मिली हैं, जिसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी को 16, भारतीय जनता पार्टी को 17 और एलजेपी को 6 सीटें मिली हैं। इसके साथ ही देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर 303 सीटें लाई हैं। वहीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा 357 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है।
अब इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार के मन में इस बात का संशय आ गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के लिए अपने किसी उम्मीदवार की दावेदारी पेश कर दे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के सपने और उनके इतने दिनों के बनाए बिहार को उनके हाथ से ले लेगी। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार कई अलग तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उनके रणनीतिकार जो हैं वो भी कई मुद्दों पर बातें कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार अब इस बात के लिए योजना बना रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव में एक अलग फॉर्मूला के साथ चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से इस बात को कहा जा चुका है और स्पष्ट तौर पर कहा जा चुका है, सार्वजनिक तौर पर कहा जा चुका है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार एक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं और विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां कुछ अलग होती हैं। लोकसभा में हमने 50-50 का फॉर्मूला तय कर लिया, लेकिन विधानसभा में इस फॉर्मूले पर आगे नहीं चला जा सकता है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और इसमें 122 सीटों का आंकड़ा छूने के बाद ही आप सत्ता में बने रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार 50-50 का फॉर्मूला तय नहीं कर सकते हैं। अगर 50-50 का फॉर्मूला तय करेंगे तो 100 से ज़्यादा सीटें उनके हिस्से में नहीं आने वाली है। अगर बहुत अधिक आएगी तो 100 सीटें आएगी, क्योंकि उन्हें आधा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देना होगा और अन्य सहयोगी दलों को भी देना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री का पद मुश्किलों भरा हो सकता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में उन्हें मुश्किलें आ सकती हैं। यदि उन्हें कम सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइड कर सकता है। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार अब उस गठबंधन या पार्टी की तलाश कर रहे हैं या उस योजना रणनीति पर काम कर रहे हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें 130 से ज़्यादा सीटें यानी 140 तक सीटें दे दे और बाकी के सीटों पर अन्य गठबंधन के दल चुनाव लड़ें, या फिर नीतीश कुमार किसी ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन करें जो उन्हें 140 से 150 सीटों तक चुनाव लड़ने के लिए साथ में रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि नीतीश कुमार जदयू के लिए 130 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये तभी संभव है जब नीतीश कुमार की बात मानकर एनडीए के बाकी के घटक दल कम सीटों पर राजी हो जाए, या फिर नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर के एक तीसरे मोर्चे का गठन करें और उसे वो अपने हिसाब से लीड करें। देखने वाली बात होगी कि अब इस जो सूत्रों से खबर मिली है इसे लेकर के आगे कौन सी रणनीति और क्या कब खुलासा करते हैं नीतीश कुमार। अभी तत्काल नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की संशय की स्थितियां बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी बराबर नीतीश कुमार पर बयान दे करके उनके मन मिजाज को टटोल रही है। वहीं महागठबंधन के कई घटक दल नीतीश कुमार को अपने खेमे में आने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो चुनाव से 2-3 महीना पहले अपनी स्थितियां स्पष्ट करेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार जिस राह पे चल रहे हैं वो राह विधानसभा चुनाव से 3 महीना पहले आकर के मंजिल पाएगा या फिर बीच में ही ये ध्वस्त हो जाएगा और किसी ऐसे पुल की ज़रूरत होगी जिस पुल को डाइवर्सन कहते हैं। क्या डाइवर्सन पार करके इंतज़ार करेंगे एक मजबूत और लंबा चलने वाले पुल को बिहार विधानसभा में सत्ता पाने के लिए, या फिर डाइवर्सन से ही काम चलाना पड़ेगा। जुड़े रहें न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, हम हर खबर को आपके पास आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते आ रहे हैं और इस प्रयास में आपका साथ और आशीर्वाद हमेशा मिल रहा है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको बार बार हम आग्रह करते हैं। आपको यदि हमारा चैनल
और हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप खुद सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं। इसके साथ ही बेल आइकॉन दबाते ही आपको सभी खबरें मुफ्त में प्राप्त हो जाएंगी। फिर मिलते हैं, नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।